जान माल की सुरक्षा न होने के कारण कई छात्रों ने किया काकादेव क्षेत्र से पलायन। दूसरे प्रदेशों में कानपुर पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे काकादेव थाना प्रभारी। कानपुर थाना काकादेव क्षेत्र में आए दिन दबंगों के आतंक से क्षेत्रीय जनता परेशान है, तो वहीं काकादेव थाना प्रभारी क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। काकादेव क्षेत्र में दबंगों के आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब काकादेव क्षेत्र में बने छात्रावासों से कई छात्र पलायन कर अपने घर वापस जाने लगे हैं। आए दिन छात्रावासों में अपना भविष्य बनाने आए छात्रों के ऊपर हमले को लेकर छात्रों के परिजन काफी डरे व सहमे हैं। पहले भी काकादेव क्षेत्र में छात्रों के साथ मारपीट की कई वीडियो वायरल हो चुकी हैं, पर जिले के आला अधिकारियों द्वारा इन घटनाओं को गंभीरता से न लेने के कारण आज कई छात्र काकादेव छोड़ अपने अपने प्रदेश जाने को मजबूर हैं। ताजा मामला काकादेव क्षेत्र के पांडू नगर में बने सिवाय छात्रावास का देखने को मिला, जहां पर छात्रावास के समीप बनी बस्ती के दर्जनों दबंगों ने मिलकर शिवाय छात्रावास पर हमला बोल दिया और ईंट पत्थर चलाते हुए छात्रों को जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं घटना का वीडियो किसी के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बताते चले, खुद को अपराध पर लगाम लगाने का एक्सपर्ट बताने वाले थाना प्रभारी अपने ही क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एक नहीं अनेकों मामले देखने को मिलते हैं जिनमें थाना प्रभारी काकादेव का सुस्त रवैया देखने को मिलता है, जिसके चलते काकादेव क्षेत्र में अपराधी बेलगाम होकर आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते हैं। वैसे तो काकादेव क्षेत्र को युवाओं का भविष्य बनाने वाला क्षेत्र माना जाता है, पर इसकी जमीनी हकीकत क्या है यह आपको समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता होगा। काकादेव क्षेत्र में चरस गांजा से लेकर हर नशीले पदार्थ की बिक्री लगातार होती रहती है। आए दिन यहाँ पर अपना भविष्य बनाने आए छात्रों के साथ क्षेत्रीय दबंगों के द्वारा मारपीट करने की घटनाएं भी सामने आती हैं। जानकारों की माने तो क्षेत्र के कुछ दबंग दूसरे प्रदेशों से अपना भविष्य बनाने आए छात्रों को डराकर पहले वसूली मांगते हैं और वसूली न मिलने पर उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती है। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं देखने को मिलती हैं। बीते दिन सिवाय छात्रावास पर हुए हमले के बाद कई छात्र छात्राएं काकादेव क्षेत्र छोड़कर अपने प्रदेश चले गए। इस तरह खुद को असुरक्षित समझकर कानपुर छोड़ने से दूसरे प्रदेशों में कानपुर पुलिस की छवि और भी धूमिल होने लगी है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।